नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज बातमीपत्रात. सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. उद्धव ठाकरेंच्या कारवर मनसैनिकांचा हल्ला, गाडीवर फेकले सेन. बांगलादेशात हिंदूवर हल्ले, पाकिस्तानी क्रिकेटपटू भडकला, मनाला रक्त उसळतंय. उद्धव ठाकरे विरोधात मुस्लिम समाज आक्रमक, जोरदार घोषणाबाजी, मातोश्री बाहेर तणाव वाढला. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचा रोज रावतार सुरूच, सुप्रीम कोर्टाला घेराव घातला, सरन्यायाधीशांचा राजीनामा. जुन्नर मध्ये बुलेटवर फिरत असताना अजित पवार म्हणाले, बाईक वर बऱ्याच जणींना घेऊन फिरलोय. नमस्कार, मैं मुरारी पांडे, आप सभी का जेएमए न्यूज में स्वागत है. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के कालीना विधानसभा क्षेत्र के कुंची कुर्वे नगर में हम इस वक्त मौजूद है. और ये विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है संजय पोतनी से, उनका ये इलाका है. और इस इलाके में मौजूद आप देख पा रहे होंगे कुंची कुर्वे नगर का ये गेट आपको नजर आ रहा होगा. और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही इस विभाग की तमाम महिलाएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है. और मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे शकुंतला मेमोरियल ट्रस्ट, यानी एक सामाजिक संस्था है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोगों के लिए कार्य कर रही है. मेरे साथ यशवंत जी आपका स्वागत है. क्या कहना चाहेंगे जो पिछले कई वर्षों से जो समस्या रही है मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पानी की किल्लत की समस्या हो, गंदे पानी की समस्या हो, चाहे गटर की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, हर प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से आज भी कुंची कुर्वे नगर के लोग वंचित है, क्या कहना चाहेंगे? तब कहना चाहूंगा कि बीएमसी को इस पे काम करना चाहिए, आमदार खासदार को ध्यान देना चाहिए. हमारे एरिया पर जो काम नहीं हो रहा है वो काम करके देना चाहिए उनको. वो टॉयलेट वगैरह, गटर वगैरह जो कूड़ा करना है, वो कचरा कुंडी का मामला हो गया. वो बड़ा नाला है पीछे रेशम सिंह का, बहुत बड़ा नाला है जिसमें पूरा मतलब आधे कालीना का पानी वहाँ से आता है हमारे को. तो वो नाला जब भर गया, जो पत्थर टूट के पूरा दीवार टूट के अंदर गिर गया, उसको साफ करके वो गटर बना के देना चाहिए हमारे को. वो सब अगर बना के देंगे तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होगा, क्योंकि पानी जो ऊपर आ जाता है तो घर में से पानी आना चालू होता है हमारे को. यशवंत जी, आप एक बताइए, शकुंतला मेमोरियल फाउंडेशन है जो पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, इस संस्था के माध्यम से आमदार, विधायक या फिर ब्रियन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से आपने पत्र व्यवहार के जरिए से मूलभूत सुविधाओं पर कभी बात की? मैं हमेशा हर महीना उनको दो दो चार चार लेटर देने जाता हूँ. मैं लेटर देता हूँ. अभी परसों ही मैं संजय पोतनी साहब के पास गया, उन्होंने लेटर देखा भी नहीं और मेरे से मिला भी नहीं. उनके पीए को बोला कि मेरे पास फंड नहीं है ये सब काम करने के. यानी देख पा रहे कि इस तरह से विधायक भी तैयार नहीं है, मिलने के लिए भी तैयार नहीं है लोगों से. सीधा वो ऑफिस के अंदर से बोले, पीए गए अंदर लेटर लेके, वो बोला कुंची को रहता है तो बोलते फंड नहीं है, बोलते उसको इलेक्शन के बाद देखेंगे. मतलब इस तरह से लोगों को, जो लोग हर 5 साल में मतदान करते हैं, ऐसे लोगों को के लिए भी विधायक जी के पास आमदार के लिए मिलने का वक्त नहीं है, समय नहीं है. तो मूल रही बात मूलभूत सुविधाओं पर कार्य करने की, जब मिलने का समय नहीं है तो मूलभूत सुविधाओं पर क्या कार्य करेंगे विधायक जी? उसी कड़ी में यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता माया दाई. दाई क्या कहना है, मैं तो देख रहा हूँ सारी महिलाएं आपके साथ खड़ी है, क्या कहें, क्या कमियां रह गई आपके इस विभाग में? हमारे विभाग में ना सर 5-6 साल से ना लेडीज टॉयलेट तोड़ा गया है, पर वो अभी तक बना है नहीं. किस वजह से बना नहीं अभी तक हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि नगर सेवक पर हमारे महिला कार्यकर्ता बहुत सारे गए वहाँ पे, उनसे मिले, मैडम से मिले, बात किया ब्रांड मटेंडा के मिसेस से कि मैडम हमारे बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेडीज लोग का, क्योंकि बाहर देखो टॉयलेट को दरवाजे भी नहीं है, ओपन है बाथरूम में सिर्फ प्लास्टिक लगाया गया है और लेडीज वहाँ पे बाथरूम के लिए जाते हैं. आपको तो पता है लेडीज लोग का कितना प्रॉब्लम्स होता है, फिर भी कोई हमारे यहाँ का नगर सेवक आके एक बार भी हमारे यहाँ पे विजिट करके, या हमारे रोड का समस्या, हमारे गटर का समस्या, हमारे यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है कि पीने लायक नहीं है, कितने लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है, कितने लोग हमारे यहाँ पे रहवासी लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में. यहाँ पे हम लोग को मूलभूत सुविधा का कोई भी हमारे जो नगर सेवक है या फिर हमारे कोई एमएलए लोग जो भी है वहाँ पे विजिट मार के हमको कोई सहकार्य या सहकार्य नहीं करे. हम लोग बोल बोल के जा जाके हमारी महिला थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई हुई नहीं. बीएमसी वाले आते, थोड़ा बहुत हम लोग को बीएमसी वाले ने इस टाइम हेल्प किया था, 2-3 गली में उन्होंने कोबा लादी करके दिया, पर बाकी का जो भी गली बचा है वहाँ पे अभी तक किया गया नहीं. और उन्होंने बताया कि अभी हमारा फंड खत्म हो चुका है,
कई फंड अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो हम कर देंगे, आश्वासन दिया, अभी तक कुछ काम कार्रवाई नहीं हुआ। तो बीएमसी के अधिकारी का विचित्र करते, जैसे आपने भी डेंगू की बात की तो डेंगू के लिए धुआं मारा जाता है, तो क्या कभी धुआं कोई अभी तक तो कोई धुआं मारा गया, अभी तो कोई इस साल तो कोई धुआं वगैरह कुछ मारा नहीं है, कोई आके विजिट भी मारे नहीं, लेकिन ये मेडिकल जो कैंप होता है यहाँ पे मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए जो बीएमसी की तरफ से हॉस्पिटल का जो कैंप होता है वो कैंप होते हैं हमारे एरिया में, पर उसपे भी कोई अधिकारी आता तो विजिट नहीं मारते, क्योंकि पानी इतना भरा पड़ा रहता है वहाँ पे, वो पानी में उन लोग पैर रख के जाने की उनको ही सुविधा नहीं, तो वो आगे जाएंगे क्या? अगर कोई तो अभी खबर दी कि डेंगू से किसी के घर में कोई बच्चा क्या नाम है आपका? सुभाष, मैं शोभा जादव है। शोभा जादव, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे? डेंगू हो गया था, वो चलने में भी रास्ते में 10 नंबर गली में गिरा था, इधर कान फट गया था, डेंगू हो गया था। अभी दुर्गा माता का मंदिर पूजा होता जब भी हॉफ हो गया जुलाई महीने में, रास्ता भी डेंगू हो गया था, डेंगू होता। 10 नंबर गली में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है? पूरा रास्ता खराब है, पाइप है और गटर है, पानी भरता है हमारे रूम पे पानी आता है, पूरा बरसात जब आती है तो पानी आता है, पूरा घर में आ जाता है पानी। तो क्या विधायक काम नहीं करते? कुछ नहीं करते, देखता नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाए तो गटर निकल, वो पैसा देंगे तो भी नहीं रुकता है, वो इधर उधर हम लोग भागते हैं औरत लोग। तो अभी आपको क्या चाहिए, क्या करना? सफा सफा करने का, गटर बिटर बनाने का और खोबा करने का, रास्ता बनाने का हमारा इधर बीएमसी वाला सब। अच्छा, कितने वर्षों से ये समस्या है यहाँ पर, मूलभूत सुविधा है कितने वर्षों से? 20 साल हो गया, 20 साल के ऊपर ही हो गया। कितने सालों से समस्या ये? 10-15 साल हो गया, हमारा गली बनाई नहीं है, बनाए नहीं है हमारे गली, हमको बहुत समस्या है, हमारे हैंडीकैप बच्चे रहने दो, सीनियर सिटीजन रहने दो, ले जाने लायक रास्ता ही नहीं है। अभी 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आमदार साहब आएंगे, हमारा रास्ता बना के देंगे, हमारी सुविधा सब करेंगे तो हम देंगे उनको वोट, नहीं तो नहीं, पहले जैसा बाथरूम का करके दो हम लोगों को तो हम लोग करेंगे, हमारी कुछ सुविधा ही नहीं है, हर बात की दिक्कत है। सुल्ताना, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे? बाथरूम का है, गली का है, गटर का है, बाथरूम नहीं बना है ये अभी 20-15 साल हो गए। 15-20 साल तो आप लोग शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? ये क्या इधर ही जाते हैं, अभी तकलीफ है वैसे ही जाते हैं, नहीं ये क्या रोड पे ही है, यहाँ ही डब्बे ला के रखे उसी में जाके बैठ के आते हैं, दरवाजा नहीं है, कुछ सुविधा है, डब्बे है लेकिन उसको दरवाजा भी नहीं है, वो खाली ऐसे शो के लिए रखे ले, बाकी वो साफ सफाई होती है? कुछ नहीं, कोई आता नहीं है सफाई करने को, कोई भी प्रकार की मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं है अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? किस रोड वैसा बना के, पहला तो बाथरूम हमारा, आपको बीएमसी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो बीएमसी क्या कभी गए क्या नहीं आप? हम लोग कल गए थे, हाँ कल भी गए थे, बोले आज आएंगे हम लोग, हमारे साहब को भेजेंगे, आपकी दिक्कत दिखाओ, हमारे पास जो भी बच्चा कुचा फंड रहेगा तो हम लोग बनाएंगे, करके देंगे, आज तो आए ही नहीं वो लोग देखने के लिए, आज आने वाले थे, हम अपना रिक्शा भाड़ा पकड़ के गए, बच्चे लोग को छोड़ के। चिस्ट के विभाग के जो अधिकारी है, बार बार यहाँ के जो लोग है, कुंची कुरुवे नगर के जो लोग है, बार बार बीएन मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगाते, आमदार साहब के पास किसी को मिलने का वक्त नहीं है, यहाँ के नगर सेवक का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब करे तो करे, कुंची नगर कुरवे नगर के लोग किससे आस करे, अब सम्मान की बात है, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो अभी चुनाव है ताई, 2 महीने के बाद, तो क्या निर्णय लिया आप लोगों ने, बताए सब लोग बताइए, क्या निर्णय लिया 2 महीने के बाद? जब तक नए बनाएंगे तभी किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, पक्का कंफर्म है, 2 महीने के बाद आएंगे ना आपके दरवाजे पे, सब सुविधा करके दो तो आपका वोट करेंगे, कुछ नहीं देंगे। यानी गटर का पानी सड़कों पर आ जाता है और सड़क भी गटर में तब्दील हो जाती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आमदार साहब है, यहाँ के जो बीएन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी है, जो यहाँ की खासदार है ताई, मैं ताई से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ताई इन सभी विषयों पर गंभीरता से गौर करें, कुंची कुरवे नगर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आपका यहाँ पर पदार्पण होगा, कब यहाँ पर आएंगी और कब इनकी मूलभूत सुविधाओं पर आप सभी काम करेंगे और कब कुंची कुरवे नगर के लोग इन मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर राहत की सांस लेंगे। देखना है कि अब आमदार खासदार और बीएन मुंबई महानगर पालिका कितने तत्परता से कुंची नगर कुंची कुरवे नगर के जो लोग हैं
उनकी मूलभूत सुविधाओं पर काम कर कर इनको कब तक न्याय दे पाती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, जेएमए न्यूज, कालीना विधानसभा, कुंची कुर्वे नगर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवाना मनियारे। रिजवाना जी, आप कहाँ रहती है? मैं कुंची कुर्वे गली नंबर 10 में रहती हूं। 10 नंबर में क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक तो गटर का भरा हुआ है, साफ नहीं है, इसलिए सब चिकना हो गया है। उसके ऊपर पाइप है, पाइप के वजह से चलने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं है। मेरा 10 साल का बच्चा स्कूल से आने के वक्त पैर फिसल के गिर गया, दो हड्डी फ्रैक्चर हुई है। अभी फिलहाल घर में आप उसको देख सकते हैं, प्लास्टर मारा। मैं रोज घर काम करके जाती हूँ, अब मेरे बच्चे का खर्चा कितना हो गया है आपको क्या बताऊँ। मैं बिल भी बता दूंगी, उसका रिपोर्ट भी बता दूंगी डॉक्टर का। सब हमारे पास है, बच्चा छोटा एक बार छोड़ के दो बार उसका हाथ तोड़। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।